कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर कौमी असेंबली में गर्मा गर्मी, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अराकीन में तल्ख कलामी। हुकूमती रुकन असलम खान ने जोर जोर से पीपल्स पार्टी की खवातीन अरकान को चुप करो शर्म करो की आवाजें दी तो खवातीन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। डिप्टी स्पीकर की हिदायत पर रुकन असलम खान ने माजरत कर ली। वफाक वजीर असद उमर की तकरीर के दौरान मुदाखलत पर कासिम सूरी ने आगा रफीउल्लाह को झाड़ पिला दी। रफीउल्लाह साहब आप जो है ना हद पार नहीं करें, आप बैठ जाएं। आपको मैं बार बार समझाता हूँ, आप नहीं समझते हैं यार। अपने सीनियर से सीखो, बात सुनना सीखो अपने सीनियर से, तो बैठ के चुप करके सीखो। आप रफीउल्लाह साहब मैं आपको बार बार तंबीह कर रहा हूँ, क्या बैठ जाए अपनी डिशेस पे, आप बैठ जाए। आप बार बार मत बोले, आप अकेले नहीं है इस हाउस में, आपने पूरा इस हाउस को जो है यरगमाल बना देते हैं खड़े होके। आप करना क्या चाह रहे हैं, आप हर दफा खड़े हो जाते हैं, आप चुप करके बैठे हैं। आपको मैं वार्निंग दे रहा हूं, आइंदा आप आइंदा इस तरह नहीं करेंगे। बिल्कुल सारे बैठ जाएं, असलम खान आप बैठ जाएं और आपस में एक दूसरे को ताने ना कसें। असलम खान मैं आपको कह रहा हूँ, आपको तंबीह कर रहा हूँ, इस तरह नहीं करें। ओके जी, ख्वातीन के साथ इस तरह की बातचीत ना करें, आप एहतराम करें ख्वातीन का। मैं समझता हूं आप रिकॉर्डिंग चेक कर लें, मैंने इनकी इनको डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो एक जनरल बात की है। आप बस उस पे भी 50 साल में उन्होंने क्या किया, अब यहां छोड़ के बातें कर रहे हैं, चीज को छोड़ के, मतलब मैं ख्वातीन का कह रहा हूं, आप कह दें और बात खत्म हो जाएगी। जी मेरी बहनें हैं, हमारे कोलीग्स हैं, इनके लिए मैंने कुछ भी लिखा।